आज के इस वीडियो में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियाना जोन्स की अगली फिल्म के बारे में, कुछ ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो कि बेस्ड है कॉमिक बुक सीरीज पर, और साथ ही जानेंगे HBO Max से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स को। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं इस वीडियो में, तो सारे अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि HBO Max काफी देशों में लॉन्च हो चुका है और COVID-19 की वजह से इंडिया में इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा। HBO Max के लॉन्च के पहले ही दिन इस OTT प्लेटफॉर्म पर टोटल 10,000 घंटों का कंटेंट डाला गया है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि HBO Max पर कितने सारे शोज अपलोड किए गए हैं, और आने वाले समय में भी हमें बहुत सारे अच्छे कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे। HBO Max की बात हुई है तो आप जानते ही है कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट को अगले साल रिलीज किया जाना है, और इसी के चलते स्नाइडर ने डार्क साइड का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। साथ ही DCU की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि हमें DC की फिल्म्स में हेनरी कैविल ही सुपरमैन का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा HBO Max पर न्यू लूनी टून्स कार्टून को रिलीज कर दिया गया है, जिसका न्यू एपिसोड आप YouTube पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाना जोन्स 5 से। तो आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लोगन के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड। लोगन जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके जेम्स मैनगोल्ड से इस फिल्म को लेकर और भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। COVID-19 के चलते इस फिल्म का रिलीज डेट अब बढ़ाकर 29 जुलाई 2022 कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है पैरामाउंट पिक्चर्स की सोनिक द हेजहॉग फिल्म से, जहां मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल को अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स है अपकमिंग फिल्म्स और सीरीज से। तो आपको बता दें कि एल्मेथिया बुक सीरीज पर फिल्म डेवलप की जा रही है, और इस फिल्म के कई सारे पार्ट्स होंगे। इसके अलावा डेडपूल के डायरेक्टर टिम मिलर और सोनिक द हेजहॉग के डायरेक्टर जेफ पोलर मिलकर डार्क हॉर्स कॉमिक द गून की फिल्म डेवलप कर रहे हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स की लव डेथ रोबोट्स को देखी है तो ये फिल्म भी एक अडल्ट एनिमेटेड फिल्म होगी। डिज्नी प्लस किंगडम हर्ट्स वीडियो गेम का TV सीरीज डेवलप कर रहा है, और जल्द ही से आप इसे डिज्नी प्लस पर देख सकेंगे। इसके अलावा लॉयन गेट्स बॉर्डरलैंड्स वीडियो गेम का फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे एली रोड डायरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है मार्वल के एजेंट ऑफ शील्ड सीरीज से। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको बता दें कि सीरीज का फाइनल सीजन रिलीज किया जा रहा है, और फाइनल सीजन में फैंस को MCU का इस सीरीज से कनेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट अपडेट है कि सभी बंद हुए फिल्म्स और सीरीज के प्रोडक्शन अब धीरे धीरे रिज्यूम किए जा रहे हैं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।